नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बिसाइड्स द पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, वह है जम्मू एंड कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास को हम देखें तो उनके बीच अगर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है तो वह है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान 1947 से यह कोशिश कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर किसी भी तरह से पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन 1947 जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तब पाकिस्तान की एक कोशिश जम्मू और कश्मीर को हथियाने की कोशिश थोड़ी सी सफल हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू और कश्मीर पर अटैक किया था और तब पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा अपने में शामिल कर लिया था। तभी से यह जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जे कर लिया है वह POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जाना जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में। 1947 का वर्ष जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था, उसी समय अंग्रेजों ने जो भारत में रहती रियासतें हैं उन सभी को यह विकल्प दिया था कि या तो वो भारत की ओर जाए या वो पाकिस्तान की ओर जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तब के समय जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी और जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और उस समय तक महाराजा हरि सिंह ने यह तय नहीं किया था कि वो भारत की ओर जाएंगे या पाकिस्तान की ओर। वैसे यह भी कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे, लेकिन यह बात पाकिस्तान को कतई मंजूर नहीं थी। 15 अगस्त तक जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल नहीं हुआ था और इसी दौरान 21 अक्टूबर 1947 को वहाँ की जो पश्तून ट्राइब है उसने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया था और इस पश्तून ट्राइब की अगवाही कर रहे थे पाकिस्तानी मिलिट्री। इन सभी के पास तब के आधुनिक हथियार थे और इसीलिए पाकिस्तानी जब उन्होंने हमला किया था जम्मू कश्मीर पर तब वह बारामुल्ला और श्रीनगर तक अंदर आ गए थे। महाराजा हरि सिंह ने तब उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सेना के पास आधुनिक हथियार होने के कारण और उनकी सेना बल ज़्यादा होने के कारण महाराजा हरि सिंह निष्फल। तभी महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और भारत में शामिल हो गए। जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया, उसी समय भारत सरकार ने भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया और यह ऑर्डर था कि वह पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ दे। भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को बहुत पीछे ले जाने में सफल हुई और तभी भारत ने इस मामले में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की मदद ली और संयुक्त राष्ट्र ने यह ऑर्डर दिया कि अब वहां पर सीज फायर होगा यानी युद्ध विराम। और जब युद्ध विराम घोषित हुआ तब दोनों सेनाएं पाकिस्तानी और भारतीय सेना जहां खड़ी थी वहीं पर
बॉर्डर बन गई और उसे कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। उस समय जिस भी क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी खड़ी थी वह हो गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पूरे कश्मीर का 30% हिस्सा है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने यह आदेश दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में एक रेफरेंडम किया जाएगा जिसमें सभी लोगों को ये कहने का अधिकार होगा कि उन्हें भारत में ज्वाइन होना है या पाकिस्तान में। पर उनकी दो शर्तें थी। पहली कि पाकिस्तानी आर्मी जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों से निकल जाए और जो भारतीय सेना है उसकी जम्मू कश्मीर में मिनिमम प्रेजेंस हो, कम से कम प्रेजेंस हो, तभी ये रेफरेंडम किया जाएगा। लेकिन तब से अब तक ना ये स्थिति बनी है और ना ही कोई रेफरेंडम कंडक्ट किया गया है। पाकिस्तान ने सरल प्रशासन के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा कहलाता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हिस्सा कहलाता है गिलगित बाल्टिस्तान। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज़ाद कश्मीर, वह आज़ाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 से प्रशासित होता है। आज़ाद कश्मीर में अपना ही एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन इन पदों को कोई भी प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए हैं और इसीलिए यह निर्बल है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पूरा प्रशासन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही चलाती है। पाकिस्तानी सरकार के 2009 के एक अधिनियम द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक परिषद भी हो सकती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन वह भी अधिकार विहीन होगी क्योंकि उनके मूलभूत विषयों पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार उन लोगों को नहीं होगा। अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात की जाए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो कैपिटल है वह है मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की एक सुप्रीम कोर्ट भी है और एक हाई कोर्ट भी है। 1963 में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी हिस्सा जो शाक्सगाम के नाम से जाना जाता है वह हिस्सा चाइना को तोहफे में दे दिया था और यह हिस्सा ट्रांस काराकोरम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सरहद के बारे में बात करें तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सरहद चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को छूकर उत्तरी भाग में अफगानिस्तान के वखान क्षेत्र से मिलती है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का पूर्वी हिस्सा भारत के कश्मीर से मिलता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कुछ ज़िलों को देखें तो वह कौन से ज़िले हैं? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मीरपुर, भिंबर, मुजफ्फराबाद, बाघ, रावलकोट जैसे ज़िलों का नाम आता है। अगर आपको याद होगा कि अजमल कसाब की ट्रेनिंग भी इसी मुजफ्फराबाद ज़िले में हुई थी, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ज़्यादातर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स पाए जाते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इसी इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो इन बातों से हम ये जान ही सकते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विकास पाकिस्तान सरकार द्वारा किया गया नहीं है। भारत हमेशा से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग ही मानता है और यह मानना भी चाहिए क्योंकि 1947 में पाकिस्तानियों ने इस क्षेत्र को गैरकानूनी तरीके से अपने
अंदर शामिल कर लिया था। आप लोग भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह बात थी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे नए और एक्साइटिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल बिसाइड्स द पॉइंट सब्सक्राइब कीजिए।